पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। शमिता, आपके केस को बेटर समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें पूरी हिस्ट्री जाननी चाहिए। तो शुरू से शुरू करते हैं। आपको अर्थ कौन से क्यों निकाला गया था? मुझे सच में नहीं पता कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया था। मुझे तो अचानक से ऑफिस बुलाया गया और फायर कर दिया। पर आज जब मौका मिला है तो मैं आप सबको सच बताऊंगी। मिस्टर वियान रघुवंशी शुरू से मुझसे फ्लर्ट करते थे। वो अक्सर मुझे अपने कैबिन में बुलाया करते थे और किसी ना किसी बहाने से हमेशा टच करते रहते थे। आई वाज सो अनकंफर्टेबल। फिर एक दिन वियान रघुवंशी ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और उस दिन ऑफिस लगभग पूरा खाली ही था। वो कहने लगे, तुम कितना काम करती हो शमिता, यू शुड टेक अ ब्रेक, रिलैक्स। देखो स्ट्रेस से तुम्हारी शोल्डर्स कितने स्टिफ हो गए हैं। उसके बाद आपने क्या कहा और आपने इसे उसी वक्त क्यों नहीं रिपोर्ट किया? हिम्मत ही नहीं थी मैम, वो मेरे बॉस थे। समझ ही नहीं आया क्या कहूं, कैसे लड़ूं। और मुझे लगा कि मैं उन्हें इग्नोर करूंगी तो शायद वो समझ जाएंगे, मुझे अकेला छोड़ देंगे। पर नहीं, फिर एक दिन ओके शमिता, टेक योर टाइम, प्लीज पानी पी लो। उस दिन वो मेरे बहुत करीब आ गए थे, मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैंने चिल्ला दिया। उनका मेल ईगो हर्ट हो गया था, वो इतना नाराज हो गए कि उन्होंने फिर मुझे फायर ही कर दिया। स्मिता प्लीज थोड़ा डिटेल में बताओ। मैम उस दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही थी और मैं वैसे रेडी होके सीधा ऑफिस आ गई थी। उस दिन ऑफिस में बहुत काम था पर मैंने काम पूरा कर लिया और वियान रघुवंशी को भेज दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाया। रघुवंशी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि ये सब कुछ मुझे नहीं पसंद? और आप प्लीज मुझे इस तरीके से टच मत कीजिए। मैंने आपको टच किया कब? सर प्लीज, आपको और मुझे बहुत अच्छे से पता है यहाँ पे क्या हो रहा था। Did you hear yourself? सिर्फ मैं, आपको और मुझे, और ये बात बस हमारे बीच रहेगी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूं और इंटरेस्टेड तो बिल्कुल भी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आपको अभी फायर किया जा रहा है, गेट आउट। एक और प्रॉब्लम है, याद रखना, अर्थकॉन के फायर्ड एम्प्लॉयज को कहीं नौकरी नहीं मिलती। Out. Hello.
हेलो। अरे अरे अंकल, आप सच में फिर से आ गए हमारे घर पे। वेलकम। घर पे? अरे ये सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक अपना ही घर है। कुछ लाओ तुम लोग के लिए। अरे आप आ गए सर, ये लीजिए आपका गिफ्ट। क्या बात है सर, आज आप कुछ परेशान परेशान से दिख रहे हैं, सब ठीक है ना? सर खा लीजिए, खाना अपने साथ साथ परेशानी भी बचा देती है। थैंक यू, मैं परेशान नहीं। अंकल आप सच में दुखी हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप हमारे वजह से सच में दुखी है क्या? आप टेंशन मत लो, आप नहीं आएंगे तो हम दुखी नहीं होंगे। हम इतने सारे हैं ना कि दुखी होने का टाइम ही नहीं मिलता। आप लोगों से मिलकर मेरी परेशानी कम हो जाती है, आप लोगों से सिर्फ खुशी मिलती है मुझे। अंकल वैसे भी टेंशन लेने का नहीं, दूसरों को देने का। शमिता, एज पर द कॉन्फिडेंशियल ऑफिशियल रिपोर्ट जो मिस्टर जीतू पटेल ने बनाई थी, आपको डिसऑर्डरली कंडक्ट की वजह से कंपनी से निकाला गया था। उनके हिसाब से आपका बिहेवियर अनप्रोफेशनल था। उसके बारे में आप क्या कहना चाहती? जीतू भाई, वो तो इस कंपनी के सबसे पुराने एम्प्लॉय है ना। मिस्टर रघुवंशी सीनियर ने उन्हें हायर किया था, राइट? वो तो इतने लॉयल हैं कि उन्होंने आज तक कहीं दूसरी जगह पर नौकरी भी नहीं ढूंढी। और जहाँ तक मुझे पता है, उनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी भी वियान रघुवंशी ने स्पॉन्सर की थी। क्या बात है जीतू भाई, ऐसी मुस्कुराहट। वियान सर ने बुलाया था। हमारी 25th एनिवर्सरी की पार्टी एक इवेंट प्लानर को दी है प्लान करने के लिए, और सारा एक्सपेंस कंपनी उठाएगी। आपको सीरियसली लगता है कि वो कभी भी वियान रघुवंशी के खिलाफ जाएंगे? हमारे ऑफिस में एक वियान सर है, छुपके से आके कभी आपके लिए ऐसा कुछ कर जाता है ना जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, वैसा वाला हीरो है हमारा वियान। शमिता, अगर इस कंपनी का एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक और नेगेटिव था तो आप यहाँ पे वापस काम करने क्यों आई? मैम मार्केट में ऑलरेडी जॉब्स बहुत कम हैं, और जैसे ही सबको पता चलता है कि मुझे अर्थकॉन से निकाला गया, कोई मुझे जॉब नहीं देता। फिर एक दिन वियान रघुवंशी का कॉल आया मुझे। उन्हें पता नहीं कहां से पता चला कि मेरे पास जॉब नहीं है और मुझे पैसों की ज़रूरत है। तब उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की। मैंने भी एक्सेप्ट किया ये सोच के कि शायद वो चेंज हो गए हैं। मैं ऑफिस तो आ गई, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, इसीलिए मैंने उनसे रिकमेंडेशन मांगा ताकि मैं कहीं और जॉब कर पाऊं और फिर मुझे इस ऑफिस में कभी नहीं आना पड़े। फिर मैं गलत थी, मुझे ये समझ जाना चाहिए था कि कुछ लोग तो कभी बदल ही नहीं सकते। उन्होंने दोबारा से अपनी वही पुरानी हरकतें शुरू कर दी। शमिता, यू ओके? नो सर। बैठिए। आप पैसों के लिए जॉब वापस ज्वाइन करना चाहती हैं, राइट? आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक मिनट में फिक्स कर दूंगा मैं। आपके
आपकी सारी प्रॉब्लम्स का एक सिंपल सोल्यूशन भेजा। चेक कीजिए, मैं एक मिनट में आया। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।